लालू यादव को उदय के साथ एक चीज समझ में आई कि सवर्णों को साथ लेकर तो लालू चले, क्योंकि उनके आसपास के आप देखिए शिवानंद तिवारी हो और भी जो नेता थे वो समझ जाती कि ये समझ में आ गया कि अब सवर्ण समाज का जल्दी मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है। ये क्यों? क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी वाली बात तो होती है, लेकिन जब नीतीश कुमार का कार्यकाल आया तो सवर्णों का जो बेचैनी है वो बढ़ गया जी। और बाद में आपने देखा कि चाहे भूमिहारों की नाराजगी नीतीश कुमार से हो या जो भी हो, 2020 के चुनाव में एक फैक्टर कहा जाता है कि पर्दे के पीछे चिराग पासवान ने नीतीश को कमजोर किया। जहां भाजपा इसको नहीं करने देने की बात करती है, वहीं कई सवर्ण संगठन कह रहे हैं कराइए, हमारा संख्या ज्यादा हो गया है, अब पता तो चले कि सवर्ण कितने हैं। तो आपको एक बात समझ में आता है कि भाजपा से नाराजगी थोड़ी सी बढ़ी है सवर्णों की जी, जी। और तेजस्वी यादव के रूप में एक विकल्प दिखाई। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात शो है जहां हम अक्सर उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो बिहार की राजनीति में लगातार चल रही होती है। पिछले कई दिनों से एक चर्चा चल रही है कि बिहार में कुछ जो समाज है वो नाराज हैं, वो नाराज हैं तो जाएंगे किधर। हालांकि उनकी नाराजगी का फायदा नुकसान तो होना ही है, यानी एक को नुकसान तो एक को फायदा होगा। ऐसे में उस खबर पर ही चर्चा करेंगे कि सवर्णों का वो कौन सा गुट है जो नाराज है और किस तरफ जाएगा। पंचनामा वाले डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब सवर्ण नाराज है, खासकर भूमिहार ब्राह्मणों की लगातार रैलियां हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, भाजपा के खिलाफ लगातार बयानों के बौछार हैं, मतलब गिन नहीं सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं, इतना बयान दिया जा चुका है। क्या लग रहा है? देखिए, सवर्णों की नाराजगी का एक कारण है, 90 के दशक में बिहार की राजनीति में एक बदलाव हुआ था। बदलाव ये हुआ था कि जो अगड़ी जातियां हैं उनको पीछे बिठा दिया गया था और ये सामाजिक न्याय के तहत हुआ था। और उन जो अब तक तय करते थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक कौन होगा, उनकी पावर सीज हुई। और 90 के दशक के बाद लालू यादव का भी उदय हुआ। लालू यादव के उदय के साथ एक चीज समझ में आई कि सवर्णों को साथ लेकर तो लालू चले, क्योंकि उनके आसपास के आप देखिए शिवानंद तिवारी हों और भी जो नेता थे वो सवर्ण जाति के ही थे, लेकिन पिछड़ों को आवाज मिली, पिछड़ों को मौका मिला आगे आने का जी। उस दौरान आप देखे कि सत्ता और सरकार में पिछड़ों का हिस्सेदारी बढ़ा जी। इतना बढ़ा कि विधायकों की संख्या बढ़ने लगी, धीरे धीरे आपने देखा कि यादव विधायक बढ़ने लगे, धीरे धीरे मुखर होकर पिछड़े समाज के लोग आने लगे राजनीति में जी। और राजनीति को अपना पूर्णतः पेशा बनाना भी लोगों ने शुरू किया। उसके बाद से आज तक आप देखिए बिहार की राजनीति में कितने जाति और किन जाति के किस समाज के मुख्यमंत्री हुए हैं, लालू यादव पिछड़ा समाज, उसके बाद नीतीश कुमार पिछड़ा समाज, ये एक पैटर्न बन गया। माझी जी बने, वो भी पिछड़ा समाज। तो ये समझ में आ गया कि अब सवर्ण समाज का जल्दी मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है। ये क्यों? क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी वाली बात तो होती है, लगभग उसी आधार पर ये सब कुछ किया गया। लेकिन बदलाव उसके बाद क्या हुआ ऐसा, जब 90 के बाद से 2020 तक दबदबा रहा इस समाज का, आज भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, तो बदला क्या? देखिए, सबसे पहले तो जब आप बराबर करने की चीज़ों को चलते हैं, आप देखते होंगे कि दुकान में जाते होंगे आप तो एक बटखरा रखा जाता है और पॉलिथीन में चावल आप कहेंगे एक किलो दे लीजिए तो एक किलो रख दिया जाता है। अब दुकानदार को तो पता नहीं कि एक किलो कितना होता है, अंदाजे पर वो रखता है, तो कभी इस साइड झुक जाता है तो कभी इस साइड झुक जाता है, कभी इसमें से निकालेगा या कभी इसमें डालेगा, दो तीन बार करके वो मामला बराबर लाकर आपको दिखा देता है। यही सामाजिक न्याय के साथ भी है। आज जिस समाज को मुखरता के साथ सामने लाना था वो आया, लेकिन इसके चलते कोलेटरल डैमेज जो बार बार मैं चर्चा करता हूँ वो भी हुआ। कुछ समाज के सवर्ण समाज के लोगों को लगा कि उनको हिस्सेदारी कम मिली जी। लालू यादव से कुछ नाराजगी रही, कुछ नाराजगी नीतीश कुमार से रही, लेकिन मुझे लगता है कि लालू यादव का जो कार्यकाल था वो 10 साल शुरू का था, तो सवर्णों को लगा कि नहीं ठीक है, पिछले समाज के लोग आगे आ रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, समय बदलेगा। लेकिन जब नीतीश कुमार का कार्यकाल आया तो सवर्णों का जो बेचैनी है वो बढ़ गया जी। और बाद में आपने देखा कि चाहे भूमिहारों की नाराजगी नीतीश कुमार से हो या जो भी हो, 2020 के चुनाव में एक फैक्टर कहा जाता है कि पर्दे के पीछे चिराग पासवान ने नीतीश को कमजोर किया। लेकिन केवल अगर इसी कारण से नीतीश कमजोर हुए होंगे तो ये मैं नहीं मान सकता जी। कई कारण है, कई कारण है, जिसमें से एक बड़ा कारण है कि सवर्ण भाजपा को तो वोट करते हैं। देखिए, सवर्णों का एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में। आप भले ही हम इसे इस तरह से कभी विश्लेषण नहीं करते हैं, सवर्णों का टोटल अगर भूरा बाल आप जोड़िए, यानी भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, राजपूत, इन चारों को अगर आप जोड़ते हैं तो 20-22% का वोट बैंक है बिहार में। अब आप बताइए कि 30% का वोट बैंक तेजस्वी यादव का है, MY समीकरण A to Z की बात अब कर रहे हैं, भले
लेकिन ट्रेडिशनली उनका उनका 30% का वोट बैंक है, तो 22% तो सवर्णों का वोट बैंक है। तो भाजपा तो हमेशा ये वोट बैंक सामने करके अपने आप को मजबूत रखेगी, जिंदा रखेगी बिहार में। लेकिन होता क्या है कि नीतीश कुमार के भाजपा की तरफ आने से कुछ पिछड़ा वोट बैंक इस एनडीए गठबंधन में आता है और आता रहा है। लेकिन 2020 में हमने देखा कि भाजपा का जो वोट बैंक था वो डिलीवर ही नहीं हुआ। मतलब जहां भाजपा ने अपना प्रत्याशी दिया था वहां तो सवर्णों ने वोट दे दिया भाजपा को, लेकिन नीतीश से पिछले 10 साल में इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो गई, इतनी नाराजगी हो गई कि सवर्णों ने वोट नहीं दिया एनडीए के नाम पर भी। यानी नीतीश के कैंडिडेट्स को, चाहे वो राजपूत ब्राह्मण भूमिहार कैंडिडेट ही क्यों ना हो, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। आप देखिए, इसका एग्जाम्पल है बरहरिया के विधायक हार गए श्याम बहादुर, आप देखिए इसका एग्जाम्पल है कि जयकुमार सिंह चुनाव हार गए और भी कई लोग हार हैं। छपड़ा बनियापुर के भी सीट मुकेश सहनी के खाते में गया था। तो ये जो हार हुई इसका एक परिवर्तन जैसा असर रहा। मतलब नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर चले गए, नीतीश कुमार को सवर्णों ने रिजेक्ट किया और नीतीश भी इसको कंपनसेट करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग बना दिया अपनी पार्टी में, जी सवर्ण प्रकोष्ठ माफ कीजिएगा, और उसको बनाकर उन्होंने क्या किया है, वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की है, सवर्णों को जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इसे उसमें किसका हुआ, भाजपा आज भले ही बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने का दम भरती है, विधायक सबसे ज्यादा है उसके, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इसमें भाजपा का हुआ। भाजपा का नीतीश कुमार के साथ रहते रहते वो जो वोट बैंक उसका था, जो 2015 में भी उसको मिला था, 2020 में भी उसे मिला है, और आने वाले समय मिलेगा नहीं कि नहीं मिलेगा, इस पर सवाल खड़े हो गए। और इसीलिए सवर्णों का जो वोट है वो एक बैग बहुत कीमती हो गया। तेजस्वी यादव को ये बात एहसास हो गया। देखिए वक्त रहते तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन 20 में जब उनकी जो परिस्थितियां बिगड़ी, एग्जिट पोल से सरकार बनाने तक वो जब पहुंचे और उनको विधायकों की संख्या कम दिखी, तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि अब केवल MY समीकरण पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, A to Z की बात करनी होगी, और चुनाव के दौरान ही वो A to Z की बात करने लगे थे, लेकिन देर हो गई, इस चक्कर में उनको भी नुकसान हुआ। अब उसके बाद आपने क्या देखा, बुछा की सीट हो या परशुराम जयंती हो, अब दो चीजें नोटिस कीजिएगा, एक तो परशुराम जयंती में तेजस्वी यादव का आना, दूसरा वीरकुंवर सिंह की जयंती में अमित शाह का आना। ये क्या इशारा करता है, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश, बिहार के भूरा बाल समीकरण, सवर्णों का समीकरण कमजोर इतना भी नहीं है, और जातिगत जनगणना की बात जब बिहार में होती है तो आप सोचिएगा जैसे इस चीज को, जहां भाजपा इसको नहीं करने देने की बात करती है, वहीं कई सवर्ण संगठन कह रहे हैं कराइए, हमारा संख्या ज्यादा हो गया है, अब पता तो चले कि सवर्ण कितने हैं, अब पता तो चले कि जिसके सामाजिक न्याय की बात आप कर रहे थे वो हुआ भी या नहीं, उसका आकलन तो निकाला जाए, अब किसकी संख्या कितनी है ये भी तो जाना जाए, और दावा तो ये भी लोग कर रहे हैं कि सवर्णों की संख्या काफी बढ़ चुकी है पहले से। अब जो भी कारण रहा हो, इन सारे कारणों को आप जब एक प्लेट में लाते हैं तो आपको एक बात समझ में आता है कि भाजपा से नाराजगी थोड़ी सी बढ़ी है सवर्णों की, और तेजस्वी यादव के रूप में एक विकल्प दिखा है। तेजस्वी क्या, आप चिराग पासवान की पार्टी को देखिए, उनकी पार्टी में भी बहुत सवर्ण बढ़ गए हैं, हर पद पर उन्होंने सवर्णों को स्थान दिया है, और पिछले चुनाव में MLC चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सवर्ण समाज को मौका दिया और वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया, अब तेजस्वी यादव को भी तो समझ में आ गया ये तो लेन देन वाला समीकरण है, जितना सम्मान दीजिएगा उतना सम्मान पाइएगा, उतना आपका विधायक बढ़ेंगे। और वैसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा को इस बात का भनक नहीं लगा, क्या भाजपा समझ नहीं पा रही है कि तेजस्वी यादव क्या करने जा रहे हैं? तो भाजपा भी उसी को कंपनसेट करने के लिए अपने दो दिग्गजों की छुट्टी करने जा रही है। भूपेंद्र यादव तो लगभग निपटा ही जा चुके हैं, संजय जायसवाल की जगह पर भी कोई खबर आ रही है कि भूमिहार या ब्राह्मण किसी को वापस लाया सकता है, यानी उस वोट बैंक का जो मांग है ब्राह्मण भूमिहार सवर्ण लाला राजपूत, इसका जो मांग है वो बढ़ेगा, बढ़ गया है, और आने वाले वक्त में इसको साधने के लिए और आवश्यकता पड़ी। यानी कहीं ना कहीं 90 के पहले का जो दशक था उन परिस्थितियों में बिहार की राजनीति फिर से जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यादवों का वोट बैंक कम हो गया है या MY समीकरण जो है वो ध्वस्त हो गया है या लवकुश समीकरण नहीं स्थापित हो सकता है, लेकिन जो बड़े वोट बैंक्स हैं, देखिए तेजस्वी को तो इस बात का एहसास हो गया ना कि मुकेश सहनी 15% काट ही ले रहे हैं, चिराग पासवान 8-10% काट ही लेंगे, पप्पू यादव कुछ छेड़फाड़ कड़वे करेंगे, ओवैसी आ ही जा रहे हैं, नीतीश कुमार भी इसी में वोट बैंक काटेंगे, तो ये जो वोट बैंक है ये किसका कट रहा है? भाजपा का तो कट ही रहा, भाजपा लेकिन इसमें जो देखिए पिछड़े का वोट बैंक जो पूरी तरीके से तेजस्वी के पास जाता था उसमें कितने चीरफाड़ लग गए,
चिराग भी लेंगे, चिराग लेंगे, आप मुकेश सहनी भी लेंगे, ये एकजुट होकर अगर चुनाव लड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी को इस बात का एहसास 2020 में हो गया। मैंने बार बार आपको कहा था पिछले पंचनामा में, मैंने कहा था आपको कि 2020 में तेजस्वी का सबसे बड़ा गलती ये हो गई मुकेश सहनी से नाराजगी जो कर ली उन्होंने, अंतिम समय तक मुकेश सहनी साथ में थे और वो हट गए तो उनको नुकसान हुआ है जी। और यही नुकसान कहीं ना कहीं सरकार बनाने ना बनाने तक में सबसे बड़ा जो डिफरेंस रहा जी। ऐसे में उस वोट बैंक को तो साथ रखने की आवश्यकता है ही, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यकता है नए वोट बैंक को एक्सप्लोर करने की। जब नीतीश से नाराजगी है ही और नीतीश भाजपा की मजबूरी है ही, तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव सवर्णों को अपने पाले में कर लें। इसलिए बिहार में सवर्णों का जो वोट है वो निर्णायक हो गया है, बना दिया गया इसे। जी, तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां राजद भी अब उसमें सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, राजद ने पहले ही प्रदेश अध्यक्ष जगदान सिंह को बनाकर संदेश दिया था कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो हमारी पार्टी में वो ओहदा रखते हैं। वही जदयू के अंदर सवर्ण प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बनाना, ये कहीं ना कहीं उस जो समीकरण का हिस्सा भी हो सकता है। भाजपा के अंदर खलबली ज्यादा है, इसलिए कि भाजपा के तमाम नेता नाराज चल रहे हैं, वो गुट जो सरकार में सम्मिलित नहीं है, वो गुट जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी से नाखुश चल रहा है। ऐसे में सवर्ण वोटरों को लेकर आने वाला दिन यानी जो चुनाव होगा अगला, वो काफी निर्णायक होगा और सवर्ण वोटर किस तरफ जाते हैं जिसको लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।